सुरेंद्र जी एक बात बताइए, जो आप यहाँ पर राम वाल्मीकि मंदिर के बारे में यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे, तो आप वो सीवर में जो आज हमारे भाई लोग मर रहे हैं उनके बारे में आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? नहीं मित्र, आपने देखा होगा, आपको हमने मांग पत्र दिया है। सबसे पहला जो हमारा मांग है वो उसी संदर्भ में है। देखिए अभी केजरीवाल सब जगह जा कर के 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमने डिमांड रखी अपनी, हमारी मांग है। जो इतना रिस्की काम करते हैं, इतना रिस्क लेकर के गटर में जो हमारे बच्चे काम करते हैं, हमारे जो लोग काम करते हैं, और गटर में जा कर के वो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, किस लिए गंवाते हैं? कि वो रोजी रोटी उनको, उनके बच्चों का पेट भरण पोषण हो सके। लेकिन वो गटर में जाने के बाद में उनकी एक किस्म से हत्या की जाती है आजकल, जबकि सब कुछ बैन है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, वो नहीं कर सकते। आपको सारा मैकेनाइज सारा सब कुछ हाउस कीपिंग का, लेकिन फिर भी उनको गटर में उतारा जाता है और गटर में जा करके वो अपनी जान दे देते हैं। कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितना बड़ा मजाक है हमारे समाज के साथ में। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारा सफाई कर्मचारी गटर में जाके काम करता है और उस कार्य को करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको 1 करोड़ रुपया दे सरकार, राज्य सरकार भी उसको पैसे दे और केंद्र सरकार भी उसको पैसे दे, और भारत सरकार या राज्य सरकार जहाँ का भी वो संबंधित कर्मचारी है वो उसको सरकारी नौकरी भी दे, मकान भी दे, और उसके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी पालन पोषण सरकार ही करे, क्योंकि वो भी एक किस्म से लड़ाई लड़ रहा है। यदि आपके गटर और सफाई नहीं होगी तो आप कहाँ जाएंगे, रह सकते हैं क्या? वो भी एक किस्म से सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मी ना होकर के वो सफाई सिपाही है हमारा। सर एक और बात बताइए, आप यहाँ पर बाबा साहब का बहुत बड़ा बैनर लगाए हुए हैं, तो इसमें कहीं भगवाकरण नज़र आ रहा है, भगवा ध्वज है और भारत माता का भी फोटो है, कहीं ना कहीं बाबा साहब के साथ तो धोखा नहीं है? नहीं, हम सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। भारत का जो संविधान है बाबा साहब ने लिखा, हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं सारे संविधान से चलते हैं, चाहे वो लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, या जितने भी हमारे न्यायालय हैं सारे संविधान के तहत कवर होकर के चलते हैं। तो इसलिए हम बाबा साहब का के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं है। जहाँ तक रहा भगवा का मामला, आपको भगवा महर्षि वाल्मीकि की जो कुटिया आपने यदि देखी होगी तो वहाँ भी उनका भगवा ध्वज था, और हमने देखिए साहब वाल्मीकि समुदाय से यदि आप बात करना चाहते हैं और यदि आप हम मानते हैं कि हम हिंदू वाल्मीकि हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, यदि आप मानते हैं कि हम हिंदू वाल्मीकि हैं तो भगवान राम के द्वारा जो भी कार्य किए गए वो रामायण में सारे वर्णित हैं, और माता सीता को जब घर से निकाल दिया गया था तो माता सीता को संरक्षण देने वाले वाल्मीकि जी हैं, भगवान वाल्मीकि जी हैं। उन्होंने अपनी कुटिया में रह करके माता सीता की रक्षा की और उनके बच्चों का लालन पालन किया, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी, और जब अश्वमेघ करने के लिए घोड़ा छोड़ा गया भगवान राम के द्वारा उस राज्य में, तो लवकुश ने वो घोड़ा पकड़ा, क्योंकि लवकुश जो थे उनको शिक्षा किसने दी? वाल्मीकि जी ने, और वो सब लवकुश ने सारी सेना का हो रहा है। अब मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, हनुमान जी को भी उन्होंने बंदी बना लिया था और भैया लक्ष्मण को भी उन्होंने हरा दिया था, तो वो हमारी शिक्षा वाल्मीकि जी की शिक्षा के कारण तो उनको शिक्षा मिली। अब जहाँ तक रहा भगवा ध्वज का, भगवा ध्वज किसी की बबोती नहीं है, भगवा ध्वज ये नहीं कि जो कोई भी लगा, नहीं, वाल्मीकि जी कुटिया की आप देखिए यदि पुरातत्व में जाते हैं तो वाल्मीकि जी कुटिया में भगवा है, भगवा ध्वज है उसमें। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया भारत माता का, हम सभी भारत माता तो सपूत हम साहब भारत माता के, और भारत माता के सपूत हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं जिन्होंने संविधान दिया, तो बाबा साहब के साथ हमारी खिलवाड़ नहीं है।